सो है गाइज, मैं आपके लिए आज चार इंटरेस्टिंग गैजेट लेके आया हूँ। ये काफ़ी मज़ेदार गैजेट्स है और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं की एक एक करके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा गैजेट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाइटनिंग स्प्लिटर की। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास आईफोन है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल गैजेट होने वाला है। इसमें आपको एक कनेक्टर देखने को मिल जाता है जिससे आप अपने एक लाइटनिंग पोर्ट को स्प्लिट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे आप देख ही सकते हैं, इसमें आप एक तरफ चार्जिंग लगा सकते हैं और दूसरी तरफ आप अपना ईयरफोन को लगा सकते हैं। और अगर आपके पास आईफोन 7 के बाद का कोई भी फ़ोन है तो उसमें आपको पता ही होगा आपके पास 3.5 mm जैक नहीं होगा, तो उसके लिए आपको ये स्प्लिटर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 150 से 200 रुपये के आसपास अमेजन पे देखने को मिल जाएगा। अगर इसके ओरिजिनल की बात करें जो एप्पल की तरफ से आता है तो वो आपको 900 रुपये का मिलता है, लेकिन उसमें आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ एक 3.5 mm पोर्ट ही मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट गैजेट की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट गैजेट है हमारा ये एक्स केबल, मैग्नेटिक केबल है। एक मैग्नेटिक केबल है एक्स केबल की तरफ से। इसमें आपको लाइटनिंग पोर्ट, माइक्रो और टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं निकाल के। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये तीन पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। ये अलग से मैग्नेटिक अटैच होते हैं, ये टाइप सी पोर्ट आता है इसके साथ, ये माइक्रो यूएसबी वाला पोर्ट आता है, और ये हमें एक लाइटनिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और इसको आप आसानी से अपने केबल से कनेक्ट करते हैं, सिर्फ आपको इसके पास लाना है और ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक काफ़ी पावरफुल है, इतनी दूर से भी ये कनेक्ट हो जाता है। और अगर इसके केबल की बात करें तो ब्रेडेड केबल आता है, केबल क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और अगर इसके चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मैंने अपने आईफोन को चार्ज किया था और 5 मिनट में मुझे 6 से 7% चार्ज बैटरी कर दी थी। और अगर इस केबल के प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस 200 रुपये, जो कि एक काफ़ी अच्छी डील है। अगर आप कोई भी सेपरेटली एक केबल लेते हैं वो भी आपको 100-150 रुपये का मिल जाता है, और इसमें आपको 3-in-1 केबल मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा केबल है, ये आपके वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। सो गाइस जो भी गैजेट्स हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अपने अगले गैजेट्स की तरफ देखते हैं। तो अगला गैजेट है हमारा मोबाइल फोन रेडिएटर। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप बहुत सारी गेमिंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल गैजेट होने वाला है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं, आपको इस टाइप का एक फैन देखने को मिल जाएगा। इसको आपको पीछे मोबाइल पे कनेक्ट करना होगा। मैं आपको एक बार कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसको आप अपने मोबाइल के पीछे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, ये आपके मोबाइल पे अटैच हो जाएगा, और इधर से आप अपने चार्जर में लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ एक ये कनेक्टर भी आता है जिसको कनेक्ट करके आप किसी स्मार्टफोन में भी डायरेक्टली लगा सकते हैं और स्मार्टफोन से ही चार्जिंग लेगा। तो मैं अपने लैपटॉप में लगा के दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप देख सकते हैं, शुरू हो गया है, इसकी आवाज़ भी आ रही होगी आपको। और इसी फैन के साथ आपको पीछे एक स्टैंड देखने को मिल जाता है जिससे आप अपने फ़ोन को किसी भी फ्लैट सरफेस पर रख सकते हैं, और अगर आप वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो काफ़ी आसानी से इससे देख सकते हैं। सो गाइस गेमिंग के टाइम पे ये आपके फ़ोन को हीट नहीं होने देगा, जिससे आपकी बैटरी लाइफ तो बढ़ी जाएगी, साथ ही साथ फ़ोन पर ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होगा। और अगर आपके यहाँ गर्मी हो रही है तो आप इससे हवा का आनंद भी ले सकते हैं। सो गाइज हमारा नेक्स्ट और फाइनल गैजेट है ये मोबाइल फोन वीडियो एम्पलीफायर। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें आपको आपकी फोन की डिस्प्ले को मैग्नीफाई करके शो करेगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सेट करना है। सो गाइज इसको सेट करने के लिए आपको यहाँ से इसको पुल करना है, ये स्क्रीन हमारी बाहर आ जाएगी, और इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। और यहाँ से पीछे की तरफ से भी आपको एक मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल सेट कर देना है। और नीचे की तरफ भी आपको एक स्टैंड देखने को मिल जाता है, इसको भी ओपन करके और आपको इसको ऐसे रख देना है। रखने के बाद आपको ये अब जो पीछे वाले डिस्प्ले है वो मैग्नीफाई होके देखनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, मैं लाइट बंद कर देता हूँ एक बार आपको, तो बेहतर आइडिया हो जाएगा। सो गाइस जैसे देख सकते हैं, आपको ये अब दिख भी रहा होगा कि हमारी मोबाइल की डिस्प्ले मैग्नीफाई हो रही है। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं, फ़ोन की ये मेरी डिस्प्ले है, ये अभी मेरे फ़ोन में एक वीडियो प्ले हो रही है, और जैसे मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो आप देख सकते हैं मैग्नीफाई होके आपको दिख रही होगी। सो गाइस ये गैजेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप सिंगल में वीडियो देखना पसंद करते हैं, और अगर आप ग्रुप के साथ वीडियो देखना चाहोगे इससे तो आपको दिखेगा नहीं और आपका मज़ा भी ख़राब हो जाएगा। सो गाइस ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सवाल सुझाव तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।